बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रिजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी। आई होप कि आप तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और खैरियत से रखे। ये मेरी दिल से दुआ है आप तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज और परेशान हो रहे हैं, तो जी हम बिल्कुल अजीज दरबार स्टैंडली जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा आपके एग्जाम क्यों पोस्टपोन हुए हैं, एग्जाम दोबारा कब लिए जाएंगे और कौन सी जगह है और किन बच्चों के, किन क्लासेस के, किन लेवल्स के बच्चों के एग्जाम को मुलतवी कर दिया गया है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की वीडियो आप तमाम तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास बनने जा रही है। स्टूडेंट्स यू नो, जैसे भी कोई भी अपडेट आती है तो फौरन से पहले मैं आपको एक वीडियो के जरिए मैसेज दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले से कोशिश रही है आप तमाम तो व्यूवर्स, तमाम तो स्टूडेंट्स की हेल्प करने की, और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और मुझसे जितना हुआ मैं आप तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहूंगा। तो अजीज तलबा, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। लाइक किया कि कोई भी पैसे नहीं लगने वाले, इससे हौसला अफजाई होगी और ये शेयरिंग इसी तरह मैं आपके साथ जारी रखूंगा। और चैनल ब्रेन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल ब्रेन अकेडमी को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में खड़ी घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे करें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। और जिन मेरी बहनों भाइयों स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है और पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर हमने लेक्चर अपलोड कर दिए। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो उसे आप जरूर लें। और नेक्स्ट क्लास, और इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ जरूर शेयर करें और इंशाल्लाह मैं फुल कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो जी बिल्कुल अजीज सरबा, यहां पर मैं आपको बता दूं 2021 के जो एग्जाम है पोस्टपोन हुए, कुछ यहां पर मैंने जगह लिखी है और कुछ जगह मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी जगह है जहां पर एग्जाम को पोस्टपोन किया गया। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। नोटिफिकेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, नोटिफिकेशन को आप खुद भी रीड कर लीजिएगा और कोशिश ये कीजिएगा उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से आप उसे रीड कर सकें और आप समझ सकें। लेकिन मैं भी यहां पर आपको बता देता हूँ नोटिफिकेशन के मुताबिक। अजीज नंबर वन पर जो मैंने यहां पर लिखा है गुजरा वाली, उसके बाद मैंने लिखा है गुजरात, उसके बाद जेलम, उसके बाद रावल और दीगर, वहां पर तमाम वो सिटीज जहां पर क्या हुआ है कि अभी आप जानते हैं कि अभी ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चल रही, हड़तालें हैं। आप जानते हैं आप ट्विटर के अगर ऊपर जाएं वहाँ पे आपको ट्रेंडिंग पे यही नज़र आ रहा है। और ये एहतजाज और ये हड़तालें क्यों हो रही है आप जानते हैं, 7 रिजवी जो अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया, बल्कि छोड़ा नहीं गया, तो इसीलिए ये हड़तालें हो रही हैं। तो इन्हीं की वजह से 29 अक्टूबर से ऑनवर्ड जितने भी आगे एग्जाम थे इनको फौरी तौर पर जो है पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये तमाम पेपर दोबारा कब लिए जाएंगे, स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन चल रहा है और स्टूडेंट्स ये भी इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये पेपर किन बच्चों के पोस्टपोन किए गए, कौन सी क्लासें हैं। तो अजीज अरबाब मैं यहां पर आपको बता दूं, मैट्रिक, एफए, बीए, बीकॉम, बीएड, बीएस, तमाम तौर वो तीन क्लासेस जिन बच्चों के एग्जाम कंटिन्यू है, मतलब कि वो पेपर चल रहे हैं, उन तमाम बच्चों के एग्जाम को पोस्टपोन किया गया। लेकिन यहां पर बड़ी मैं अपडेट आपको ये बता दूं कि ये जो अपडेट है, ये जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन को आप भी केयरफुली रीड कर लीजिएगा क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये है सरगोधा यूनिवर्सिटी का, बाकी अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी की जानब से अभी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कंट्रोल ऑफ एग्जामिनर डॉक्टर तकीर की जानब से भी ऐसी कोई भी अपडेट आ जाएगी, और जैसे ही आती है तो इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी को भी मैं एक वीडियो के जरिए मैसेज दे दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ।